पितामह पूछते हैं, युद्ध समाप्त हो गया, सभी रणभूमि में कौरव खत्म हो गए, अब पितामह के जाने का समय आ गया। तब पितामह ने कहा, जब मैं जाने का समय है तो खाना कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे सामने खड़ा रहना। तो पितामह ने दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, कान्हा देख एक बात बता, मेरे जिंदगी के मुझे 10 जन्म याद है, उन 10 जन्मों में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे शैया पे सोना पड़े। 10 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया कि कोई शैया पे सोना पड़े, तो कान्हा ये किस बात की सजा दी तुमने? तो कान्हा ने कहा कि आपको 10 जन्म ही याद है, मैं आपके कई जन्म जानता हूँ पितामह, इसलिए तो आप गंगा के गर्भ में जीवित रह गए। अगर आपका पाप बाकी नहीं होता तो आपको जीवित होने की क्या जरूरत? गंगा मैया तो आपकी मैया तो सभी बेटे को विसर्जित कर रही थी जल में, फिर आप क्यों रह गए? तो कान्हा, वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा पाप था जो इतनी बड़ी सजा थी, मरने भी नहीं दिया, जीने भी नहीं दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करा दिया ताकि मैं मर भी नहीं सकूं।